कांग्रेस सरकारें और उनके नेता अक्सर हिंदुओं की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए उल्टा सीधा तो बोलते ही हैं, साथ ही अपने तर्कों को साबित करने के लिए मनगढ़ंत और झूठी कहानियां भी गढ़ लेते हैं। ठीक यही कारनामा फिर से किया है कभी भगवा आतंकवाद की कहानी बतलाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने। दरअसल मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर भड़की हिंसा की शुरुआत शोभा यात्रा पर फेंके गए पत्थरों के साथ हुई थी और इसकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। पुलिस की कार्रवाई भी इन्हीं आधारों पर चल रही है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह एक नई थ्योरी लेकर आए हैं। उनका कहना है कि ये सब कुछ भाजपा का किया हुआ है, भाजपा ने ही गरीब मुस्लिमों को पैसे दिए फिर उनसे पत्थर फेंकवाए। दिलचस्प बात यह है कि दिग्विजय सिंह के पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई तथ्य नहीं है, बस उनका दावा है कि ऐसा हुआ है। वो कहते हैं, मुझे कुछ शिकायतें मिली हैं जो सत्यापित नहीं हैं, लेकिन इन शिकायतों के अनुसार भाजपा के कुछ लोग गरीब मुस्लिम लड़कों से पैसे देकर उनसे पत्थर फेंकवाते हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे ये भी स्पष्ट किया कि मेरे पास तथ्य नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आरोप लगा रहा हूं, लेकिन मैं इन शिकायतों की जांच करूंगा। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद भाजपा नेता व प्रदेश मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, दिग्विजय सिंह की अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं और जिस प्रकार से नेहरू परिवार की चाटुकारिता के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए वो जो बयानबाजी कर रहे हैं वो केवल राजनीतिक है। सारंग ने कहा, एक FIR के बाद वो कह रहे हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं। तो आप अपनी बात भी किस तथ्य पर बोल रहे हैं? भाजपा को ना दंगा करवाने की जरूरत है और ना ही वो दंगा कराती है, भाजपा दंगा रोकती है। ये नेहरू परिवार और कांग्रेस का इतिहास है कि उन्होंने दंगे कराए ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सिकें। ये आरोप लगाकर दिग्विजय सिंह ने अपनी हैसियत बताई है। उनकी बातों का ना तथ्य है ना आधार है। गौरतलब है कि मुस्लिम तुष्टिकरण पर अपनी राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह पहली बार नहीं है जब मुस्लिमों के बचाव में आए हों और हिंदुओं पर हुए हमलों के लिए हिंदुओं को ही जिम्मेदार बताने का काम किया हो। UPA सरकार के दौरान दिग्विजय सिंह द्वारा भगवा आतंकवाद जैसी शब्द की नींव रखी गई, जिसका खुलासा UPA सरकार के दौरान गृह मंत्रालय में अवर सचिव रहे RVS मणि ने भी किया और बताया कि उनकी किताब ये स्पष्ट करती है कि कैसे दिग्विजय सिंह द्वारा हिंदू आतंक शब्द की नींव रखी गई और इसे फैलाया गया। इतना ही नहीं, 2008 में हुआ 26/11 एक आतंकी हमला था, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इसे RSS द्वारा किया गया हमला बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकायदा दिग्विजय सिंह द्वारा इस संबंध में एक किताब का लोकार्पण किया गया और हिंदू आतंकवाद शब्द की अवधारणा गढ़ी गई। इस काम में दिग्विजय सिंह का साथ सोनिया गांधी, अहमद पटेल और राहुल गांधी ने भी दिया था। वही काम दिग्विजय सिंह अब फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।